मैं डीसी साहब और एसडीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि ये जो यहां से ड्रेन बनाई थी 2018 या 2019 में, वो एक साल नहीं चली, एक साल के बाद वो डैमेज हुई। अब हमें खतरा है कि ये घर भी नीचे दस्ते जा रहे हैं, और वो रोड बनाया हुआ था, वो रोड भी डैमेज हुआ है। इसको देखने के लिए ना कोई डिपार्टमेंट आया, ना किसी ने यहाँ आके तवज्जो दी। उसके बाद हमने कई बार डीजी साहब मुख्तियार साहब को, चेयरमैन मुख्तियार साहब को दिखाया, उन्होंने भी कई बार उधर जाके डिपार्टमेंट को बता दिया, लेकिन उसकी बात पर भी कोई गौर नहीं हुआ। तस्लिमा जी को भी हमने यहाँ लाके दिखा दिया, उन्होंने भी कोई, उसके कहने पर भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से और एसडीएम साहब से कम आके एक तो इनके जो ठेकेदारों से थोड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि ये क्या बना रखा है, और उसके बाद डिपार्टमेंट से भी वो थोड़ा एक्शन ले ले कि ये अगर ड्रेन बन गई थी तो इसके ऊपर उन्होंने अगर चेकिंग किया होता, लेकिन कोई उसके ऊपर इतना चेक हुई ना कि एक साल के बाद ये ड्रेन सारी डैमेज हो गई। इसलिए हम गुजारिश करते हैं हमारे मकानों की कोई हालत खुद आके देखे, और जो यहाँ रोड बनाया था रोड भी निकल गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल निकला उसका, और उसके बाद सारा डैमेज हो गया। मैं बुलाक पकतूर के हल्का कंजल वन में हूँ। उस वक्त यहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि इस जगह यहाँ पर जो इरिगेशन कुल और रोड है उसकी हालत खस्ता हो चुकी है, और मैं स्पॉट पे पहुँचा। यहाँ पर जो रोड बनाया गया था कुछ साल पहले वो डैमेज हो चुका है, उसकी खस्ता हालत है। यहाँ पर 45 घर आते हैं तकरीबन इस रोड के ऊपर, जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको आने जाने में दिक्कत होती है। और दूसरा, यहाँ की इरिगेशन कुल जो है वो लीकेज हो रही है, वो डैमेज हो चुकी है, जिस वजह से उसका पानी जो है वो खेतों और घरों में जाता है, जो उससे मकान डैमेज हो रहे हैं। मैंने इससे पहले एक्शन गुरेज से कई बार बताया भी और एप्लीकेशन भी डाला हुआ था उनको, और यहाँ के लोगों ने खुद एक्शन गुरेज तक ये बात पहुँचाई थी। डीडीसी मैडम जो तस्लिमा बेगम है, उन्होंने भी ये बात उठाई थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई इसका अजाला नहीं किया गया।